जी सर, मेरा नाम तान्या गुप्ता है और मैं प्रयागराज से हूँ और मेरा बीएड फोर्थ सेमेस्टर अपियरिंग अभी कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका जो है बीएड चल रहा है? कहाँ है सर। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, से? रज्जू भैया। अच्छा, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी जी से। जी जी चलिए, बहुत सारी बधाई आपको। आपने जो है अपनी तैयारी कैसे किया और आप जी चैनल तक कैसे पहुंच पाई? जी सर, एमएड के एंट्रेंस से पहले मेरा एक बैकग्राउंड ऑलरेडी बन चुका था, बीएड की पढ़ाई करके और सीटेट क्वालिफाई करके। तो फिर मैंने जब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने यूट्यूब पे रिसर्च की और ऑफ कोर्स आपका चैनल था स्टार्ट में, और भी कुछ लोग थे। तो रिसर्च करते करते मुझे समझ में आया कि मुझे प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। और फिर सबसे पहले मैंने एयू का सिलेबस उठाया, प्लस मुझे ये पता था कि भाई मुझे एमसीक्यूज लगाने हैं। तो मैंने उसके सारा सिलेबस पढ़ा, मतलब 1 1.5 मंथ में मैंने उसका सारा सिलेबस पढ़ा। और ऑफ कोर्स मेरे पास पहले से नोट्स भी थी बीएड की, तो मैंने वो सारा पढ़ा। फिर टॉपिक बाय टॉपिक मैंने सारे एमसीक्यूज भी किए। और फिर सर मैंने एक और ऑथेंटिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस की, वो थी नेट की पीवाईक्यूज एडुकेशन के। मैंने 2004 से 2016 तक के सारे नेट के क्वेश्चन पेपर लगाए थे। और सर थैंक्स टू यू, आपने रीसेंट के क्वेश्चंस भी लगवाए थे नेट के, मुझे याद है मैंने आपकी वीडियोस से पढ़े थे। और सर आप जितने क्वेश्चंस कराते थे वो सारे मैं करती थी। और यही सब था, बस प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड सिलेबस तो हो ही जाता है और एक बैकग्राउंड बना रहता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो है चैनल पर मतलब आप सर्च किए और सर्च करने के बाद आपको ये चैनल दिखा और जी आप यहाँ से जुड़ गए, है जी ना? तो आने वाले विद्यार्थियों को आप जो है क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे जो है वो प्रिपरेशन करें ताकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें हर टॉपिक का, चाहे वो साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो या फिलोसफी हो, कुछ भी। हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ऑथेंटिक क्वेश्चंस लगाने हैं। मैंने एक सूर्या पब्लिकेशन की बुक ली थी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं थे उसमें। मैंने कुछ लगाए थे, फिर मैंने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। फिर मैंने ऑफकोर्स आपके क्वेश्चंस देखे थे आपकी वीडियो से, क्योंकि आपने ऑथेंटिक पीवाईक्यूज लगवाए थे अदर कॉलेजेस के और नेट के, और मैंने खुद भी किए थे 2004 से 2016 तक। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे बहुत मदद किया मुझे उसने। मतलब फिर जब मैंने क्वेश्चंस लगाए, जब मैं एग्जाम सेंटर पे थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, बट अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप एक एडुकेटेड गेस भी तो लगा सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब मुझे बस यही है कि लोगों को बताना कि वो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करें, सिलेबस अपना उठाएं, उसको कवर करें, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक वो एमसीक्यूज लगाएं। यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, आपके चैनल से हेल्प ले सकते हैं, और आप गाइडेंस भी दे सकते हैं अच्छी। चले, तो तो हम जो है आपको मालूम भी है कि इस चैनल पर आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिलता है और चैनल पर जो है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको अलग अलग प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको आपके लिए जितनी हेल्पफुल हो सकती है वो हम आपकी हेल्प करते हैं, जितनी हम हेल्प आपकी कर सकते हैं, है ना? जी तो चैनल को एक तरीके से आपको हेल्प कर ही रहा है और इसके बाद आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया और आपने जो है सारी चीज़ों को जो भी मतलब हमने आपको चैनल पर स्ट्रैटेजी भी बताई है, शायद आपने स्ट्रैटेजी भी फॉलो किया होगा थोड़ा बहुत अगर वहां तक पहुंचे होंगे तो। और देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी हम आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और इसके साथ ही साथ जो है आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर लगातार प्रश्न आ रहा है तो इसमें नया प्रश्न क्या हो सकता है, तो जी उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें। तो इससे आपको तो हेल्प मिलती ही है और आप आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जैसा कि आपने भी बताया हम भी वही कहना चाहेंगे कि आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और एकदम जो है ये मत समझिए कि बहुत बड़ा जो है तोप है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना। बस सबसे पहले भय अपना खत्म कीजिए, जी है ना? बिल्कुल जिस दिन मतलब कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, अगर आप जी डरेंगे तो आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। आप डरिए नहीं, कोशिश
कोशिश कीजिए, आपको एक ऐसा रैंक लेकर के आना है जिससे आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, और वहां पर आने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से, अपनी जो लक्ष्य है उसको आप आगे लेकर के जा सकें, है ना। जी। तो अभी आप जो है आगे आने वाले समय में, इट मीन्स आप जो है एडमिशन यहाँ से ले रहे हो, तो आगे का जी क्या लक्ष्य है आपका? सर, ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट जॉब में पीआरटी के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और एमएड भी करूँगी, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलिए अच्छा है। जी तो एक बार फिर से जो है आप विद्यार्थियों के लिए अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं, और जी अगर आप चैनल के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। बिल्कुल। अगर किसी भी इंसान को या इंडिविजुअल या स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ऑफ कोर्स आपके चैनल पे आए और आपके चैनल से आपका जो कोर्स भी है वो भी बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि पता है सर, कोर्स लेने का क्या फायदा होता है कि आपको एक ही स्टॉप पे सारा सोल्यूशन मिल जाता है। हमें बहुत ज्यादा जगह नहीं भागना पड़ता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, और अगर कोई भी एक प्लेटफॉर्म ये करा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और पता है यूट्यूब पे बहुत कम क्या है ही नहीं शायद ऐसे लोग जो ये स्पेसिफिक करा रहे हो। तो बिल्कुल, ये अच्छी ऐसा है। जी, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपका ये इनिशिएटिव है, और जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करे, तो वो बिल्कुल आपके स्टॉप आ सकते हैं और यहाँ पे सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये इंडिविजुअली भी हो सकता है, बट वो विल पावर और वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पढ़ाई पे। मैंने जब स्टार्ट किया था तो अप्रैल के एंड से स्टार्ट किया था सर, मैंने उसका सारा सिलेबस नोट्स बना बना के सारा पढ़ा, प्लस मैंने एमसीक्यूज भी देखे हर टॉपिक के। मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी और मैं सारे टॉपिक के एमसीक्यूज करती थी ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक के अंदर मुझे मुझे क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे। अब ऑफकोर्स सी बात है, जो वहाँ पे क्वेश्चन थे वो नहीं आए वहाँ पे, बट स्टिल एक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई। प्लस हाँ, उसमें बहुत आपके आइडिया मिल क्वेश्चन, जाता। जी, प्लस आपके भी वीडियोस और थे उसमें, तो सारे ही रैंडम क्वेश्चंस थे, एज इन मतलब टॉपिक वाइज नहीं थे, वो सारे कलेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो वो भी एक अच्छी बात थी कि मुझे आइडिया मिले तो अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और ऑफ कोर्स सर, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करिए और प्रैक्टिस करिए और ऑथेंटिक क्वेश्चंस करने की ज़्यादा कोशिश करें। दैट्स इट। चलिए, तो वंस अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां, और आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो विद्यार्थी हैं, जो जिनकी जो कभी जो है ये फील करने लगते हैं कि हम जो है नहीं पहुंच सकते हैं, और एक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी अक्सर यही सोचता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे जो है हम अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। बस ये है कि आप अपना विल पावर स्ट्रांग कीजिए और कोशिश करते रहिए। जब आप कमिटेड होते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है अपने आप मिलती चली जाती है ना। कहते हैं ना कि जो शिद्दत से अगर आप चाहोगे तो जी कुछ भी मिल जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। और एक जो लास्ट में हम आपको मतलब सभी लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, है ना। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचें हर वक्त बुरा होगा, कुछ हुआ या ना हुआ कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। बिल्कुल तो अनुभव बिल्कुल लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, कहीं ना कहीं जो है कुछ बुरी चीजें भी आपको आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए अच्छा रास्ता ही बनाती हैं। तो बिल्कुल इसलिए कोशिश करना बंद नहीं करना है जी ना। सर, चलिए एक कोशिश बार फिर करना से हमारे हाथ पे है सर। ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। आप ऐसे दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें थैंक यू और सर। ऐसे ही जो है आप पढ़ती रहें। जी, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।